नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में 2014 में अंडर एज में बंद हुई बुढ़ापा पेंशन को दोबारा बनवाने के नया नियम बना है, लेकिन कुछ नियम और शर्तें लागू है। जाने पूरी जानकारी क्या है खबर। दोस्तों, 2014 में हरियाणा में एक स्पेशल सर्वे हुआ था, जिसमें अंडर एज यानी कि 60 साल से कम उम्र के जो भी लोग थे तो उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से अंडर एज पेंशन बनवाई थी, वर्ष 2014 में सरकार के स्पेशल ऑडिट सर्वे में काट दिया गया था। जिले में करीब यानी कि ये करनाल जिले की बात कर रहे हैं कि जिले में करीब 30,000 लोग थे, ऐसे लोगों की दोबारा पेंशन बनवाने के लिए सरकार की तरफ से राहत दी गई है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन लोगों की आयु बुढ़ापा पेंशन के लिए पूरी हो चुकी है, यानी कि जिन उनकी पेंशन कट गई थी और अब उनकी पेंशन बनवाने के लिए उनकी एज 60 साल हो चुकी है, वह अपनी पेंशन जिला समाज कल्याण विभाग से आवेदन कर बनवा सकते हैं। लेकिन उसकी जो बकाया रिकवरी बची हुई है, यानी कि 2014 में जिनकी पेंशन कटी थी, जितनी भी उन्होंने पेंशन ले ली थी, तो वो उनको रिकवरी करनी थी, तो वो जो रिकवरी बची हुई है उसकी पेंशन का 50% हिस्से से कवर की जाएगी। यानी हर माह 1,000 रुपये व्यक्ति को मिलेंगे और 1,000 रुपये उसकी रिकवरी राशि से कटेंगे। सरकार के इस फैसले से जिले जिले भर के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। ठीक है दोस्तों, आवेदन के समय देना होगा शपथ पत्र। इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। जिन लोगों की रिकवरी बकाया है, पेंशन के लिए आवेदन करते समय उन्होंने एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें साफ तौर पर लिखा होगा कि अंडर एज पेंशन के दौरान उन्होंने जो पेंशन ली थी उसकी रिकवरी उसकी पेंशन से रिकवरी कर ली जाए। समाज कल्याण विभाग में करें संपर्क। जिन लोगों की अंडर एज पेंशन लगी थी और बाद में कट गई थी, रिकवरी का पैसा जमा नहीं करा पाए थे, वह जिला समाज कल्याण विभाग से पेंशन का फॉर्म लेकर उसे भर कर दें। अधिकारियों के बताए अनुसार शपथ पत्र भी दें, इसके बाद पेंशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2014 के सर्वे में पकड़ी गई गड़बड़ी अब दोबारा बनवा सकेंगे पेंशन। 1,000 रुपये व्यक्ति को मिलेंगे और 1,000 रुपये उसकी पेंशन से प्रत्येक महीने कट जाएंगे। 2014 में स्पेशल ऑडिट में हुआ था बड़े घोटाले का पर्दाफाश। फर्जी पेंशन के कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने 2014 में स्पेशल ऑडिट सर्वे कराया था, जिसमें केवल करनाल के करीब 30,000 फर्जी पेंशन धारक मिले थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी रिकवरी का पैसा जमा करा दिया था, लेकिन आज भी 8 से 10 हजार लोग ऐसे हैं जो पुरानी रिकवरी का पैसा देने में असमर्थ हैं। ऐसे लोग 60 वर्ष की आयु को भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन पेंशन नहीं बन पा रही थी। तो ठीक है दोस्तों, इस न्यूज़ से यही है कि जिनके मतलब 60 साल से कम उम्र थी 2014 में, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी और जितनी भी उन्होंने पेंशन ली थी तो वो रिकवरी के रूप में वो सरकार को उन्होंने देनी थी। कुछ लोगों ने तो वो रिकवरी के पैसे दे दिए थे, लेकिन कुछ के नहीं दिए थे। और जिन्होंने नहीं दिए थे और अब उनकी उम्र 60 वर्ष को भी क्रॉस कर चुकी है, तो वो अपनी पेंशन बनवा सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपये महीना गवर्नमेंट उनके काट लेगी रिकवरी के तौर पर और 1,000 रुपये उसके खाते में दे देगी। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज आई थी जो मैंने समझा कि जरूरी समझा कि आप लोगों को बता दी जाए। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की न्यूज आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।